आखिर कब और कहां हुई थी राधा और कृष्ण का विवाह? इनका विवाह किसने करवाया था? राधा कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में उनके प्रेम बंधन का ही जिक्र आता है, और प्रेम भी ऐसा जो इतना शुद्ध, जो मन से मन का था। यहाँ इस प्रेम शब्द का वास्तविक अर्थ प्रेम से ही है। आज लगभग सारे लोग प्रेम का अर्थ शारीरिक भोग और वासना समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। राधा वैसे तो श्री कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी, पर उनके प्रेम में डूबी थी, पर फिर भी उन दोनों का विवाह कभी नहीं हो पाया, ऐसा हम सब मानते हैं, पर यह सही नहीं है। गर्ग संहिता में इनके विवाह के बारे में एक कहानी वर्णित है। वैसे प्रचलित यह है कि श्री कृष्ण की रुक्मणी समेत 8 पत्नियां थी, और इसके अलावा उन्होंने जिन 16,100 स्त्रियों को नरकासुर नाम के राक्षस से आजाद कराया, तब से उन सब ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया था। पर राधा और कृष्ण का विवाह एक ऐसा रहस्य है जिससे सारे लोग अनजान हैं। वृंदावन में एक स्थान है भांडीरवट, जहां ब्रह्मदेव ने खुद आकर राधा जी से श्री कृष्ण का विवाह करवाया था। और आज भी अगर आप इस स्थान पर जाएंगे तो आपको यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह मंडप मिलेगा। वैसे लोग जितना जानते हैं उतना ही सच मान लेते हैं, पर हमें अपने धर्म से जुड़ी हर रहस्य को जानना है। अपने धर्म से जुड़े हुए हर रहस्य को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।